नहीं नहीं इंडिया से ही हूँ, पाकिस्तान से कैसे आऊँगा। तो लास्ट वीडियो में जैसे कि बताया भी था कि आपको कि मैं यहाँ पे जो वर्कर्स थे मतलब राजी मिस्त्री जो वर्कर्स होते हैं उनके पास सोया था। तो ऑलमोस्ट बैग वैग रेडी हो चुका और समय बहुत ज़्यादा हो गया, 11:30 हो गया। तो बैग वैग रेडी करके ऑलमोस्ट निकलना है। और आज काफ़ी दिनों के बाद स्नान किए तो थोड़ा चकाचक लग रहे और टोपी लगा लिया क्योंकि इधर ठंड कम है थोड़ी तवांग के मुकाबले। सो हेलो इंडिया, कैसे आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, चकाचक होंगे। कोविड का केसेस बढ़ते जा रहे हैं तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा कि बिहार झारखंड में थोड़ा कोविड के केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो अब मुझे यहाँ से निकलना तवांग। मैं तो सोचा था तवांग यार, मुझे यहाँ से निकलना अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल ईटानगर। और ईटानगर में आई थिंक नैसी करके एक ट्राइब्स है भैया बताए नीचे। तो चलते हैं, बैग लेते हैं यार, काफ़ी लेट हो गया ना। तो ट्रेवलिंग में एक चीज़ बताता हूँ कि अगर कहीं पर ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको जहाँ भी लोकेशन से मिले बस आप सेफ्टी का ध्यान दीजिएगा। आपको जहाँ पर भी लोकेशन मिल जाए बस सो जाएगा। तो जाने से पहले एक बार चेक कर लेता कुछ छूटा तो नहीं ना मेरा लिए। ब्रह्मास्त्र यहाँ पर है यार, आजा ब्रह्मास्त्र। सो यार ब्रह्मास्त्र इधर है, बैग इधर है, छोटे वाले बैग वेस्ट बैग नीचे मैं रख लिया हूँ। तो बस बैग उठाता हूँ यार, बैग तो उठाना ही मुझे ही पक्का। सो गाइस एक चीज़ और बताना था, अभी तक वीडियो नहीं अपलोड हुआ है, अनएडिट हुआ है। तो अभी नीचे जाकर थोड़ा भैया के पास बैठेंगे और वहीं पर एडिट करेंगे यार। ओहो हो, पहले रख लेता यार, कुछ सामान छोड़ते जाते हैं ना, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। सो गाइस दो दिन से वीडियो मैं इंस्टा 360 से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप लोग कैमरा क्वालिटी बताइएगा कैसा है। ओहो साउंड क्वालिटी में तो बेटर था, मैं देखा एडिटिंग करते समय साउंड क्वालिटी बिल्कुल अच्छा है, पर थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी में थोड़ी सी कम हो रही है। इसका कारण कि कैमरा पे थोड़ा सा गर्दा आ गया है, लेंसेस थोड़े घिस गए क्योंकि वाटर प्रूफ था ना, तो इसको वाटर प्रूफ में ज़्यादा यूज़ किया था इसकी वजह से। तो देख वाला देख लेता कुछ छूटा तो नहीं है, आई थिंक कुछ छूटा नहीं है। इधर मैं खाना बना रहा था, इधर भी कुछ नहीं छूटा और इधर भी कुछ नहीं छूटा। देखिए यहाँ पे खाना बना था भैया ने, सुबह सुबह मुझे खाना भी खिला दे यार, थैंक यू सो मच भैया। सो चलते हैं नीचे यार। यहाँ पर एक अंकल थे यार, सुबह सुबह यहीं पे स्नान किया था, वेट कीजिएगा। देखिए सुबह सुबह मैं यहीं पे स्नान किया था और अंकल का बाय बाय अंकल, तो अंकल थे और ये भैया बहुत मदद किए मुझे। ये कौन सा ईटानगर में बताएं, कौन से ट्राइब्स रहते हैं? निसी ट्राइब। और जीरो में जीरो ना, और मैं चुका में भी ट्राइब्स रहते ना, बुद्धिज्म मिल जाएगा बुद्धिज्म। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, हाई कर दो छो सब में ही बोलो, बिल्कुल छोटू अच्छा बोलता है ये बिल्कुल बहुत अच्छा प्यारा बच्चा, आजा तेरे को कुछ दूँ, तेरे को कुछ दूँ खरीद कर। सो गाइस चलने का टाइम हो गया, तो क्या करते हैं पहले मैं 10 मिनट यहाँ पर स्टे करके वीडियो को एडिट करता हूँ और अपलोड लगाने, क्योंकि यहाँ नेटवर्क थोड़ा सही है एयरटेल का, 3 MB/s दे रहा। तो वीडियो यहीं पर अपलोड कर देते क्योंकि हिचाइकिंग के बाद पता नहीं चलेगा कि भाई वीडियो कब अपलोड हो रहा है, क्योंकि 4 बजे वीडियो आ जाता है। कल काफ़ी ज़्यादा थक गया था ना, इसकी वजह से वीडियो नहीं अपलोड हुआ रात में, थोड़ा सा थक गए थे रात के 9-10 बजे सो गए थे। क्या कुछ कहना चाह रहे हो? इट्स शैलेश्वर नाम है, शैलेश्वर। अच्छा आसाम में कुछ बोलना चाहते हो, आसामी में बोलो कुछ। हाँ कुछ लोगों को बोलना चाहते हो? अरे बोलो यार प्लीज ना, आसाम में किसी को अच्छा से आता है बोलने के लिए? बोलो आसाम में, बोलो अच्छा से, बोलो आसाम में, आसाम में ही बोलो। अरे भाई डरते क्यों? आपका नाम क्या? शैलेश राज नाम हुआ। सो गाइस अभी 10 मिनट बस वेट करते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे यार। और छोटे छोटे सब्सक्राइबर मिल गए हैं जो कि अभी अभी चैनल सब्सक्राइब किए, तो मेरे आज का यूट्यूब के फैमिली बन गए। क्या बोलना चाहते हो? आसाम के लोग हैं, आसाम में कुछ बोल दो। अरे बोलो तो फरमान है। सो गाइस बच्चे बहुत सर मिल रहे हैं, तो चलते हैं थोड़ा वीडियो अपलोड करते हैं उसके बाद चलेंगे यहाँ से। सो गाइस वीडियो तो 12 बजे पक्का अपलोड हुआ और बच्चे काफ़ी एक्साइटेड थे, मतलब यूट्यूबर से मिलकर लग रहा था कि फर्स्ट टाइम मिला तो यूट्यूबर से। यस तो बच्चे काफ़ी अच्छे थे। भाई किसका फ़ोन आ गया अभी? भाई बोले और भाई का ही फ़ोन आया, बड़े भाई का। बहुत लेट हो गया यार, 12 बजे मतलब वीडियो अपलोड हो गया। यहाँ पे नेटवर्क अच्छी थी, जियो एयरटेल का 3 MB का स्पीड दे रहा था, थोड़ा जल्दी हो गई, 10 मिनट में वीडियो अपलोड हो गया। और आगे से चलकर तो बाय बाय, तो यहाँ से जाकर अब मुझे आगे थोड़ा जाकर वहाँ से टर्न है, उसके बाद ईटानगर में हम लोग इंटर कर जाएंगे। ओ सॉरी इंटर करें
ईटानगर के रास्ते में चले जाएंगे, तो चलते हैं। अभी ईटानगर के ईटानगर क्या जगह का नाम है, वहाँ पर एक भैया थे, उसने बोला 200 रुपये दो मैं ईटानगर पहुँचा दूँगा। यार मैं तो हद है यार, मैं देख नहीं रहा, समझ में आता नहीं है, और लोग कुछ भी बोल देते हैं। मैं बोला कि 200 रुपये रहते क्या, तो मैं खुद ईटानगर नहीं जाता, मैं लिफ्ट लेकर हिचाइकर हूँ। यार उनको बताना समझ में नहीं आते यार, कभी कभी आज जैसे इतना दिन में कभी कुछ हुआ नहीं, पर आज मेरा मूड थोड़ा अपसेट कर दिया, बहुत से बुरा एनर्जी था वीडियो बनाने के लिए, पर अभी एकदम अपसेट हो गया माइंड, एकदम पूरा माइंड अपसेट कर देते ऐसे लोग मिल जाते हैं तो ट्रैवलिंग के दौरान, समझ में नहीं आता क्या कैसे लोग मिल जाते। देखते हैं यार, मूड तो ऐसे ऑफ हो गया, देखते हैं लिफ्ट देते हैं तब ना कोई गाड़ी आ तो रही है। गाड़ी ये तो गाड़ी भरी हुई तो दे मतलब उधर जो मेन उधर लाइन है, पुराना वाला रोड था ईटानगर जाने के लिए, पर ये भी नया वाला हाईवे बन गया है ईटानगर जाने के लिए, सो इसी से चलते हैं, इस पर ज़्यादा गाड़ी मिलती है ना, देखते हैं। भैया भैया ईटानगर 29 किलोमीटर है हाईवे से, तो देखते कोई गाड़ी आती है तो लिफ्ट दे देगी यार, चल जाएंगे। ईटानगर के हाईवे पे दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिखती है, देखिए हम लोग तरफ दिल्ली वाली जो हाईवे है ना डोभी NH2 पे, भाई इतनी गाड़ी मिलती है ना, 10 मिनट में लगते हैं हज़ारों गाड़ियाँ पार हो जाती होगी, और मैं 10 मिनट से वैसे हो गया, आई थिंक 20-30 मिनट हो गया, अभी देखिए एक भी गाड़ी नहीं पार हुआ। एक मोटरसाइकिल आ रही है ऊँट के मुँह में जीरा, और लगता है उस पर भी दो लोग हैं, तो लिफ्ट मिलना मुश्किल ही नामुमकिन है। सो और थोड़ी देर चलते हैं, देखिए दो लोग हैं तो मिलना मुश्किल है, ये ऊँट के मुँह में जीरा है। सो गाइस हम अभी राजगढ़ में हैं, और इधर हो गया आसाम, और इधर हो गया अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ से ईटानगर 18 किलोमीटर है, तो देखते हैं कोई गाड़ी लिफ्ट देती है तो ठीक है, तो थोड़ी देर पैदल चलेंगे। क्या भैया लिफ्ट मिल जाएगी यहाँ से? मिल जाएगा ना, गेट में जाइए, चेक पोस्ट के पास। कितना दूर है यहाँ से? सामने में है, चलते हैं। वेलकम टू अरुणाचल प्रदेश गाइस, वेलकम टू ईटानगर लिखा हुआ यहाँ पर, वेलकम टू ईटानगर, थैंक यू फॉर विजिट अगेन, इधर से लिखा हुआ। ओहो हो पुनपुन पारा, तो हम लोग आ गए हैं अरुणाचल प्रदेश, और आप लोगों को जैसा लग रहा हो कि ईटानगर एक डिस्ट्रिक्ट है, गलत बात, ये पुनपुन पारा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ईटानगर कैपिटल है। और अभी हम होलोंगी में, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश पुलिस चेक पोस्ट, होलोंगी डिस्ट्रिक्ट पुनपुन पारा, और ईटानगर यहाँ से 18 किलोमीटर की दूरी पर है, तो चलते हैं इनर लाइन परमिट चेक कराते हैं, और उसके बाद हम लोग चले जाएंगे यहाँ से, देखते हैं सर लिफ्ट दिवा देंगे तो ठीक है, नहीं तो किसी से मांग लेंगे खुद से। यार पुनपुन पारा जैसे ही चेक पोस्ट है, वहाँ पर बहुत सारे होटल है, यार कुछ खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं, और इधर भी बन जाता है पुनपुन पारा के पास भी इनर लाइन परमिट ILP वहाँ पर बन जाता है सामने, इधर रेस्टोरेंट है, एम्बुलेंस ही आ रही यार पिछले, नेक्स्ट आगे चलते हैं थोड़ी और आगे। नहीं नहीं इंडिया से ही हूँ, पाकिस्तान से कैसे आऊँगा, इंडिया से हूँ। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल ईटानगर, भैया लोग से पूछ लेते हैं निसी जनजाति किधर रहता है, इधर निसी जनजाति है ना, निसी ट्राइब किधर मिलेंगे ज़्यादातर, पूरा यहाँ ही है। हाँ ये जान रहे विलेजेस कहाँ पे, उनके विलेजेस विलेज तो यहाँ में बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट है, जैसे सेकपा कुरुंग में वो लोग ये है, निसी है, और ये खास ये कैपिटल तो निसी का ही है, निसी का ही है। हाँ इधर मुझे देखना है क्या, हम लोग अरुणाचल होता है ना, अरुणाचल ये हम लोग का हेडक्वार्टर है, कैपिटल है। हाँ जी जी वो तो मिल जाएगा, जान रहा हूँ, इधर मतलब ट्राइब्स कहाँ देखने के लिए मिल जाएगा, विलेजेस जो पुराना अभी भी ट्रेडिशन फॉलो करते हैं। हाँ तो उसको हम कहाँ से आज सुन लाए यार, यहाँ में इतना सारा लगभग है, ये कितना है, इसी लोग यहाँ में लेकिन
अपना तो जैसे ताजिन डालो आदि मीनियो और निजी बहुत सारा ये रहते हैं ना। देखते हैं विलेजेस पता करते हो नहीं है ऐसा फोन विलेज है ही नहीं इधर विजयनगर सर कैप्टन। अच्छा आप कल लाना था ये क्या होता है ये जो हम लोग ताजिन का फेस्टिवल चल रहा था। हाँ वो तो अभी नहर लगन में रहा आज तो खत्म हो गया उसका पेपर पे। ठीक है तो गाइस तो देखते हैं अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा है कुछ खाते खाना उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। तो आई थिंक देखते हैं किधर होटल यार खाना खाए थे पच गया थोड़ा भूख लग गया यार। और अरुणाचल प्रदेश का सबसे ज़्यादा अगर ट्राइब्स में माना जाता है निशी ट्राइब्स यहाँ का बहुत फेमस है तो उसे खोजने के लिए मतलब कि विलेजेस देखने के लिए बस मैं ढूंढ रहा हूँ यार मिल जाए बस यही काफ़ी है मिले तो सही। मक्का बहुत दिन से नहीं खाया मक्का ही खाता हूँ मक्का। कैसे है भुट्टा भुट्टा कैसे है 20 रुपये कैसे 20 रुपये बहुत महंगा है बहुत महंगा कितना का बहुत महंगा बोल रहे हैं इसने बोला 100 का ना यार 20 रुपये बहुत महंगा है छोड़ दीजिए। ओके तो देखते हैं अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा मैं सोचा फुट्ठा खाता यार 10 रुपये में सोचा मैं मिल जाएगा तो खा लेता पर 20 रुपये बोले कोई बात नहीं। और रात में कहाँ स्टे करना अभी कुछ नहीं मालूम चल रहा है ना जी बिल्कुल बोलिए क्या नाम है शैलेश राज शैलेश राज इट्स शैलेश राज। इधर में निशी ट्राइब्स किधर रहते हैं विलेजेस नहीं है इधर विलेज नहीं है ईटानगर में विलेज कहाँ पे मिल जाएंगे तो आगे जाना पड़ेगा आपको बहुत क्या जगह का नाम चंदन नगर बोल के उधर बहुत उधर निशी ट्रैक मिलेगा ना मतलब पुराने कल्चर नहीं है तो भाई पता नहीं चलता यार कभी कभी ईटानगर में तो सोचा था कि आकर ना कि पता चलेगा कुछ निशी ट्राइब्स के बारे में क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस है ईटानगर का मतलब गोहपुर में था ना तो एक भैया ने बताया कि आप ईटानगर चल जाइए निशी ट्राइब्स से यहाँ का मतलब ईटानगर का बहुत ज़्यादा फेमस है। देखते हैं अभी तो कुछ पता भी नहीं चल रहा बस आज बहुत दिन से कुछ खा नहीं रहा था पानी पूरी नहीं खा रहा सर खा तो रहा था पानी पूरी। और भैया बिहार के हैं क्या भैया बिहार के कहाँ से दरभंगा भैया कुछ डिस्काउंट कर दीजिएगा मेरे लिए गुपचुप में। तो अभी हमें ईटानगर के मार्केट में और ये है ईटानगर का मार्केट देखिए इधर सामान बिक रहा है कुछ यार इधर फरी वरी भी बिक जाता है ना मूरी ये सब बिक रहे हैं सामान इधर। तो ये मार्केट है और कुछ नहीं है ईटानगर ज़्यादा मतलब कैपिटल जरूर है पूरा ये कैपिटल। तो ये मार्केट है इधर हम लोग तरफ ये सूथनी कहते हैं इधर ये आलू आई थी होना चाहिए था इसे क्या कहते हैं दीदी इसे क्या कहते हैं ईटा गुती हर चैनल हाँ थैंक यू चैनल नेम क्या आपका इट्स शैलेश राज क्या इट्स शैलेश राज थैंक यू। यार ये सब क्या है ये क्या चाहिए दीदी आलू ये तो सुथनी है इधर आई थिंक दूसरा कुछ कहा जाता होगा ये कीड़े है इसका क्या होता तकम, तकम, दीदी तकम। ये क्या होता है इसका ये? क्या नाम है बोल रहा है क्या नाम है तकम तकम खाया जाता है ऐसे खाया जाता है पका के मतलब आज याद आ गया कुछ और यार मतलब क्या बोलूं चलते हैं कीवी दिस इज कॉल्ड कीवी। तो आपको बता दूं कि मैं अभी ईटानगर में हूं तो मुझे पता भी नहीं कौन सा विलेज आ रहा है। इसका कारण है कि दो स्कूल के छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे मिल गई तो एक यहां पर है एक वहां पर है
तो उन्होंने कहा कि चलिए हमारे विलेज में नेसी ट्राइब्स रहते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद आप देखकर, और वहाँ पे सारे बहुत सारे बस्तियाँ हैं और काफ़ी अलग अलग मतलब कह सकते हैं ट्राइब्स रहते हैं, उसके बाद आप जा सकते हैं देखकर जाइएगा। तो बोले चलिए मेरे साथ में विलेज में, तो चलते हैं और देखते हैं विलेज। ऐसे तो आई थिंक आज तो स्टे करेंगे, कल सुबह देखेंगे ट्राइब्स। सो गाइस ईटानगर में मतलब कह सकते हैं ईटानगर पूरा कैपिटल है ना, इसके वजह से यहाँ ट्राइब्स थोड़े ख़त्म हो गए हैं, हैं ट्राइब्स पर मॉडर्न एज वाले, तो इधर कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तो हम लोग चलते हैं पापू नाला, और पापू नाला से आई थिंक जीरो निकल जाएंगे डायरेक्ट कल। आज का सोने का प्रबंध हो गया, ये है कारवास के पीछे जगह मुझे मिला, यहीं पे टेंट लगा कर सोएंगे आज रात में। अभी तो सोना नहीं है क्योंकि अभी समय ज़्यादा नहीं हुआ, छः बजे इधर अंधार हो जाता है अरुणाचल प्रदेश में, तो टेंट लगाएंगे सो जाएंगे। तो आज मैं तो यहाँ पर सोने के लिए मतलब जिप बैग रखा ही था, और यहाँ पे मतलब बातचीत करते करते क्या हुआ, जो यहाँ के ओनर्स हैं ना, उन्होंने कहा कि मेरे फ्रेंड जा रहे हैं जीरो, तो आप चले जाइए रात में ही और आपको वहाँ पे ही सोने का प्रबंध हो जाएगा, और वहाँ जाकर आप रेस्ट कीजिएगा और सुबह वहाँ जीरो आराम से घूमिएगा। तो चलते हैं ईटानगर को, बाय बाय करने का टाइम हो गया, तो बाय बाय ईटानगर, निकलते हैं जीरो के लिए। सो लास्ट नाइट मैंने आ गया था याचुका, जो यहाँ से मतलब जीरो 25 किलोमीटर की दूरी पर है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि किसके साथ आया और कहाँ पर स्टे किया। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो पसंद और लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट कर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।